क्लास में बच्चों को पार्क स्टडी में बता रहे हैं, जिहाद सिखा रहे हैं, जिहाद की बातें सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ हम बच्चों को यहूदियों को क्या पैगाम देना है वो बता रहे हैं, बजाय नहीं कि हम उन्हें टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेकर आए। हम अपने बच्चों के दिमागों में जहर भर रहे हैं, नफरत भर रहे हैं। मैंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया, मैंने 10 से 15 बच्चों से बात की कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। आप यकीन करें कि हर बच्चे ने इंडिया के बारे में नफरत का इजहार किया, एक भी मुझे पॉजिटिव इंटरव्यू नहीं मिला। रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है, इनसे पूछें, ज्यूज, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, ठीक है, ये उनके खिलाफ नफरत उगलेंगे। इनसे कम्युनिटीज़ के बारे में पूछें कि यार ये कोरियन हो गए या मतलब हिंदू हो गए, हमारे पड़ोसी देश इंडिया हो गया, तो ये उनके खिलाफ भी नफरत ही उगलेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस ही ऐसा है। हमारे सिलेबस में बच्चों को कोएग्जिस्टेंस, प्लूरलिज्म, ठीक है, यूनिटी, ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, बस हेट्रेड ही सिखाई जाती। सही बात है। अगर हम इसके बरक्स इंडिया की बात कर लें तो आप इंडिया का सिलेबस देख लें, वो अपने बच्चों को प्रैक्टिकल थ्योरी जो है वो पढ़ा रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखा रहे हैं जो उनके आगे फ्यूचर में काम आए, और हम अपने बच्चों को रटा रटाया एक तो सिलेबस दे रहे हैं, और उस सिलेबस में भी क्या दे रहे हैं, नेगेटिविटी। बिल्कुल, इंडिया की अगर बात करी जाए तो इंडिया इस बात पे कामयाब हो गया कि हम एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जिसमें काफ़ी सारी जबानें होंगी, काफ़ी सारे कल्चर्स होंगे, रिलीजन्स होंगे, मगर फिर भी हमने कोएग्जिस्टेंस के साथ रहना है, हमने आपस में भाई भाई बन के रहना है, ठीक है। तो वो इस बात में कामयाब हो गए, इंडिया अनडिवाइडेड है, हम पाकिस्तानी। असल में पाकिस्तान की क्रिएशन का मकसद था कि हम इन दो मुल्कों का आपस में कंपैरिजन चल पड़ा था 1947 में। ये अलहदा इसलिए हुए थे, एक तो अलहदा होना है कि यार आप अलहदा रहोगे, वेलफेयर स्टेट बनोगे, ठीक है, दूसरों को नुकसान नहीं दोगे। इनका आपस में नफरत की बुनियाद पर, ये जो डिवीजन की बुनियाद पर, तफरीक की बुनियाद पर ना पाकिस्तान की क्रिएशन हुई। तो हमारा इंडिया से मुकाबला चल रहा था, जब इंडिया से मुकाबला चल रहा था तो सिलेबस को ऐसा किया गया कि हम इंडिया से अफजल, हम इंडिया से बेहतर, हमारा इंडिया के साथ मुकाबला। अब वो मुकाबला मीटअप तो नहीं हो पाया, ठीक है, इंडिया काफ़ी आगे चला गया इकोनॉमिकली, सोशली देख लें, तो ये फिर सिलेबस को उसी तरह डिज़ाइन किया गया कि यार हम उनसे अफजल हैं। अब देखो, एक बंदा मेरे से आगे चला जाता है तो अल्टीमेटली मैं उससे नफरत करना स्टार्ट कर दूँगा, इसलिए ये लोग इंडिया से नफरत करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, इंडिया के सिलेबस में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे यूनिटी पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ जब डिवीजन करी गई, पाकिस्तान की जो क्रिएशन है वो डिवीजन की बुनियाद पे रखी गई, तो उससे क्या हुआ, बांग्लादेश देख लें जी, ठीक है, तकसीम की बुनियाद पे जब सियासत हुई थी, कोएग्जिस्टेंस पे नहीं हुई थी, तो बांग्लादेश अलहदा हो गया, ठीक है। हालाँकि इस्लाम एक अम्ब्रेला था जिसके अंदर तमाम कौमों ने यूनाइट रहना था, मगर क्योंकि इनकी बुनियाद ही तफरीक और हेट्रेड के ऊपर थी, बांग्लादेश अलहदा हो गया। फिर बात आती है जी पठानों की, ठीक है, पठान आज कह रहे हैं जी हम अफगानिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। ANP देख लें, मंजूर पश्तीन देख लें, मोहसिन दावर देख लें, अली वजीर देख लें, वो जो है अलहदगी चाहते हैं क्योंकि बेसिक राइट्स नहीं मिले। बलोचों को देख लें, वो अलहदगी चाहते हैं, ठीक है। तो जब आप हेट्रेड की सियासत करेंगे, तफरीक की करेंगे, तो उल्टा डिवीजन होगी, कोएग्जिस्टेंस नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी, हो गया। हमारी लीडरशिप की प्रेफरेंसेस कुछ और हैं, हमें इस मुल्क को चलाता है मिलिट्री, मिलिट्री देख लें, वो पता नहीं 70 साल से कह रहे हैं हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, एक जंग से गुजरते हैं तो दूसरी जंग शुरू हो जाती है, फिर तीसरी जंग शुरू हो जाती है। सोशल वेलफेयर जो स्टेट होती है उसकी प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं। हमारी जो स्टेट है ये एक मिलिट्री स्टेट है, ये इन्होंने जंगों में हिस्सा लेना है, ठीक है, इन लोगों ने आवाम को बेसिक राइट्स नहीं देने। सोशल वेलफेयर स्टेट पाकिस्तान थी ही नहीं, पाकिस्तान थी एक डिक्टेटर वाली स्टेट, मिलिट्री वाली स्टेट। हाँ, हमने जंगें लड़ी हैं, हमने एजुकेशन का जनाब हेल्थ हो गया, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी के यार हम साइंस में आगे जाएं, हम जो है डिफरेंट फील्ड्स में, टेक्नोलॉजी में आगे जाएं, ये कुछ भी नहीं है, इनके प्रेफरेंसेस ही कुछ और हैं, क्योंकि हमारी लीडरशिप जो है इनकी प्रेफरेंसेस और। अब क्या हम अपने टेक्स्ट बुक में बच्चों को इंडिया के खिलाफ एक ही चीज़ सिखा रहे हैं, एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया और पाकिस्तान में कभी दोस्ती नहीं हो सकती, कश्मीर का मसला जो है हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिससे वो इंडिया के साथ जो है नफरत करने पर मजबूर हो गए हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हम अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके जहनों को गंद आलूद कर रहे हैं और उनके जहनों में ऐसी चीज़ें भरी जा रही हैं जिनकी वजह से नफरत, अंगेजी, तशद्दुद, वो ऐसी चीज़ों, आपकी बेसिकली हम हर साल कितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम हर साल कितने डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितने हमारे पास MPhil हैं, कितने PhD हैं, कि क्या आप मुझे किसी ऐसे अननोन PhD का बता सकती हैं जिसका आपने मीडिया से सुना हो? आपको नहीं पता होगा किसी का भी, क्यों नहीं पता होगा? मेन प्रॉब्लम ये है कि हमने अपना जो माइंड सेट है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे हमारा कोई फोकस नहीं हुआ, ठीक हो गया,
हमने इस बात पे कोई फोकस नहीं किया कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है हम उसको तशद्दुद मामलात से दूर रखें, हम उसको डायलॉग की तरफ लेके आए। फॉर एग्जांपल, बजाय इसके कि हम अपने टेक्स्ट बुक में उन्हें बताएं कि भाई इंडिया कितनी तरक्की कर गया, इंडिया कितना आगे निकल गया, हमने इंडिया को इस चीज़ में कम्पीट करना है, हम उन्हें ये चीज़ सिखा रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हिंदू और मुस्लिम कभी दोस्त नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, देखें अब सीन क्या है कि अब जैसे हमने बच्चे को पुरतशद्दुद मामलात की तरफ लेके जा रहे हैं, हम उसको डायलॉग की तरफ, इन मामला की तरफ नहीं लेके आ रहे, तो फिर उससे होता क्या है? जब हमने बच्चे को घर में एक ऐसी परवरिश नहीं दी जिसके अंदर उसकी पर्सनल ग्रोथ अच्छी हो, अब वो क्या करता है, उसकी एक एज ऐसी है उसको घर में से चीज़ नहीं मिली, वो बाहर तलाश करेगा। जब वो बाहर जाएगा मुआशरे के सोसाइटी के अंदर भी वही सोच पनप रही है, वही लोग मौजूद हैं वहाँ पर, क्या है? अच्छा, यहीं पर अगर आप देखें हमारे मुआशरे में एक बात इंतहाई जो मुझे बहुत बुरी लगती है वो ये है कि हम कहते हैं कि जी बच्चे को आप मारेंगे नहीं तो वो ठीक कैसे होगा, बिगड़ जाएगा। गलत बात है, मार से आप कैसे ठीक कर सकते हो? आप हमेशा डायलॉग से, प्यार से समझा के कर सकते हो। रही सही कसर, फिर हम क्या करते हैं, हमने उस पुरतशद्दुद चीज़ें बचपन में बच्चे के 2 साल 3 साल जैसे उसके जहन में डालनी शुरू की, घर में वो तशद्दुद के मामलात में आया, बाहर निकला तो आया, रही सही कसर हमने पूरी कर दी। जी हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर, जिसके अंदर हमने आते सारी क्या किया, बच्चे के साथ सबसे बड़ा जुल्म ये कर दिया कि हम उसको पहले दिन से ऐसे टीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं जिनको ना इकॉनमी का पता है, ना जिनको पर्सनल ग्रोथ का पता है, ना जिनको ऐसे मामलात का पता है कि आपने बच्चों को कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि वो एक मुआशरे के लिए प्रोडक्ट बने, ना कि मुआशरे पर बोझ बन के निकल रहे हों। अच्छा, वहाँ से फिर हमने सिलेबस में उनको दिया हुआ कि जी इंडिया के साथ हमने दांत खट्टे कर दिए 65 में, हमने 48 में उनके दांत खट्टे कर दिए, हमने 71 में उनको चने। जहाद की बातें यहूदियों के खिलाफ पैगामात 7th क्लास की पाक स्टडी की किताब में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, अभी आप देखें ना, हमने अगर हमारे अंदर इतनी हौसला और जुर्रत है, हम ये बता सकते हैं कि 1948 की जंग है वो हमने शुरू की, 1965 की जंग हमने शुरू की, 71 की हमने शुरू की, ये कारगिल वार हमने शुरू की और समय हारे हैं, हमारी है जरूरत कि हम बताएं उनको? हम नहीं बता सकते ना। हम उल्टा क्या करते हैं, हम उनको कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। हाँ, हमने खट्टे कर दिए, हमने पता नहीं क्या कुछ कर दिया। अच्छा, दिवालिया हमारा निकलने वाला है, वो 500 बिलियन की इकॉनमी लेके बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे बैंक करप्ट होने वाले हैं और हम एक अजीम कौम है, हम पता नहीं कौन सी कौम है। अच्छा, दूसरा वो जो आप कह रहे हो यहूदी और वो वाले सारे मामलात, अब फिर बात वही आ जाती है कि हम माने एज अ मुआशरा, मुआशरे के तौर पर, एक ख़ानदान के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर, कुछ हालांकि इंडिया हमसाया मुल्क है, इससे ट्रेड करें, ट्रेड जब होगा सब्जियों की प्राइस नीचे आएंगी, एक आम आदमी का भला होगा, मगर सियासतदान ये नहीं चाहेंगे क्योंकि उन्होंने वोट बटोरना है।